हेलो सो देखते हैं आज जे के ट्वेंट ट्वेंटी टू में आए हुए फर्स्ट शिफ्ट के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन सो so, यहाँ पर कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम तो कंप्यूटर बेस्ड होता है तो यहाँ पर कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और आई होप सो आई होप सो कि सारे क्वेश्चन सही होंगे सो so, यहाँ पे ये यह सारे क्वेश्चन है और हम लोग को हम लोग इसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हूँ जो कि Uh, मैंने इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे फाइंड किया तो इसी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक सर्कुटर डायग्राम दिया हुआ जिस है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर का कनेक्शन है पैरल में दो रजिस्टर से जो पैरली कनेक्टेड है साथ में दो ई बैटरी भी कनेक्टेड है जिसका इंटरनल रजिस्टेंस है आर और एक वोल्ट मीटर है जो कि इसको जब रीड किया जाता है वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 1.2 वोल्ट है तो एंड डाटा के बेसिस पे मुझे बताना है कि स्मॉल आर का वैल्यू क्या रहा होगा तो फटाफट फ़ड़ इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ये ट्वेंटी सर्किट को थोड़ा सा सिंपल सर्किट बनाते हैं तो ट्वेंटी और ट्वेंटी ओम को अगर हम लोगों ने पैरली सॉल्व किया तो ये यहाँ पे दे देगा टेन ओम सो विल बी डाटरी टेन ओ सॉरे टेन ओम अब इसके नीचे जो है वो बैटरी कनेक्टेड है ये वन पॉइंट फाइव वोल्ट की बैटरी है और इसका अपना एक इंटरनल रजिस्टेंस है इसको इस तरह से लिखता हूँ ये वन पॉइंट फाइव वोल्ट है इसके साथ पैरली एक और बैटरी कनेक्टेड है जो कि 1.5 पॉइंट वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और साथ साथ में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है जो कि इसकी जो रीडिंग है वो वन पॉइंट वोल्ट है दिस द केस अब यहाँ पे इन दोनों पैरेलल बैटरी को भी सॉल्व करते हैं सो so, जब दो बैटरी पैरेलल कनेक्टेड होती है तो उसके जो इकोवेलेंट uh, ई और रजिस्टेंस uh, होता है उसका इस तरह से हम लोग लिख, लिखते हैं दैट इज इकोवेलेंट ई डिवाइडेड बाई इको रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो इंडिविजुअल बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस और उसके ई के समेशन के बराबर होगा लेकिन यहाँ पे दोनों बैटरी मेरा सेम है आइडेंटिकल बैटरी है तो ई इको बैलेंट डिड बाई आर इको बैलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन uh, डायरेक्ट लिख लेता हूँ वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई आर प्लस डिवाइडेड बाई आर तो ये जो हो जाएगा आपका टू टाइम्स ऑफ वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई आर डेट इज थ्री डिवाइडेड बाई हाँ, so ये होगा, जहाँ पे आर इकोवैलेंट अगर इन सर्किट के बीच में देखें तो ये पैरल कनेक्शन है तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा आपका कनेक्शन R R R R, है सिंपली हम लोग जानते हैं तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर एक आर एक आर गया यानी आर बाई टू तो इस इकोवैलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में सब करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका ई e इको दिया। और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख देता हूँ आर बाई टू इंटू थ्री बाई आर यानी फिर से आपको मिलेगा वोल्ट तो फिर से सर्किट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यानी दो, दोनों बैटरी को मैंने पैरली कनेक्ट किया सो क्या बचेगा तो यहाँ पे टेन ओम है यहाँ पे जो है एक बैटरी कनेक्टेड है जो का इकोवेलेंट आ चुका है मेरे को और ये है आपका वन पॉइंट फाइव और इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसका इकोवेलेंट आया है वो है आपका आर बाई टू और वोल्ट मीटर जो है यहीं पे कनेक्टेड है जिसकी रीडिंग जो बता रही है वो बता रही है वन पॉइंट टू वोल्ट ओके okay, अभी मेरे पास ये सर्किट है अब इसको सॉल्व करते हैं सो so, यहाँ पे एक ट्रिच ऑफ स्लॉ का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और उसी से इस सर्किट को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है और ये मेरा एक रेजिस्टेंस है या सिंपल सर्किट को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सो so, ओवरऑल अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इस सर्किट में, में मेरा करंट अगर आई है तो उसके पीछे एक ही वोल्टेज सोर्स रिस्पॉन्सबल है, है और वो है वन पॉइंट फाइव वोल्ट क्योंकि ये तो वोल्ट मीटर का रीडिंग है यानी जो भी करंट यहाँ पे आया होगा उसके पीछे रिस्पॉन्सबल होगा वन पॉइंट फाइव वोल्ट सो so, अगर हम लोग देखें तो टेन ओम के क्रॉस भी अगर वन पॉइंट टू वोल्ट बता रहा है अगर ये वोल्ट मीटर तो कहीं ना कहीं अगर मैं ओम्स लॉ का यूज़ करूँ तो वी इजिकल टू आई आर हो जाएगा सो अगर मैं इस टेनों ओम रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ तो करंट का वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा वी बाई आर यानी वन पॉइंट टू वोल्ट रीडिंग मीटर मेजर किए और यहाँ पे टेन यानी कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो पॉइंट वन टू एम पी आर सो ये जो टोटल करंट यहाँ पे आ रहा होगा जिसके पीछे रिस्पॉन्वल है वन पॉइंट फाइव वोल्ट वो कहीं ना कहीं जीरो पॉइंट वन टू एम पी आर है अब सेम अगर मैं इस पूरे सर्किट में यूज़ करूँ इस सर्किट में अगर मैं फाइंड करूँ इसी का यूज करके या सिंपली यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी मेरा 1.2 पॉइंट वोल्ट ही रहा होगा ओवरऑल राइट right? ये भी 1.2 पॉइंट वोल्ट ही रहा होगा जैसे कि ये 1.2 पॉइंट वोल्ट है सो पैरल कनेक्शन होने के कारण से ये भी 1.2 पॉइंट वोल्ट बताएगा तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगर मैं इस सर्किट में आ रहा हूँ सो वन पॉइंट माइनस आर बाई टू जो वोल्टेज इसने यूज किया है इस रेजिस्टेंस में टाइम्स ऑफ आई कहीं ना कहीं वन वोल्ट के बराबर होगा तो so, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो वन पॉइंट फाइव माइनस आर बाई टू इंटू जीरो पॉइंट वन टू वन पॉइंट टू के बराबर है और इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स और इसको अगर इधर ले जाए वन पॉइंट फाइव वोल्ट को और आर को इसको इधर ले जाए तो कुछ इस तरह से आएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टाइम्स आर इक्वल टू वन पॉइंट टू अगर इधर आए तो ये बच जाएगा जीरो पॉइंट थ्री यानी आर की वैल्यू जो आ जाएगी 0.06 सॉरी uh, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.06 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इस 65 30 यानी फाइव फॉर्म इसका आंसर हो जाएगा तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा जो कि एक तरह से रजिस्टर uh, या करंट का क्वेश्चन है इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये भी मेमोरी वाइज सारे क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक इंडक्टर uh, uh, है जो 200 हेनरी का है और वो एक वोल्टेज सोर्स का है कनेक्टेड है टू ट्वेंटी वोल्ट फिफ्टी हर्ट्स ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी है तो मुझे फाइन करना वाट इज़ द आर एम एस करेंट सो लेट द आर एम एस करेंट इज आई आर एम एस सो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सल रहा होगा सो so, ये जो वोल्टेज मेरी दी हुई है कहीं ना कहीं ये आर एम एस वोल्टेज है तो यहाँ पे एक्सल अगर हम लोग फाइन करें सो वे आर एक्सल जो होता है ये नथिंग बट दोमेगा एल होता है फ्रिकुंसी डी हो फिफ्टी हर्ट्स और हम लोग जानते हो ओमेगा जो होता है टू पाई एफ़ यानी वो हो जाएगा टू पाई फिफ्टी और एल की वैल्यू है टू हंड्रेड तो अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपका टू टू जे फोर फाइव टू जब ट्वेंटी राइट और तीन जीरो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव इन टू टेन टू दावर थ्री ओम तो ये एक्सेल की वैल्यू हो गई आई सो सारा चीज़ सही है सो फाइव टू the टेन जो जो ट्वेंटी और वन टू थ्री फाइव सो सॉल्व करते हैं इसको तो वी आर एम एस की जगह यहाँ पर डाल दूंगा टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव और ये टेन टू दावर थ्री सो so, ये, ये गया यानी ये ऊपर आ जाएगा इलेवन यानी ये हो जाएगा इलेवन बाई पाई और ऊपर चलाएगा गया टेन टू द माइनस थ्री एम्पियर इसको और चाहते हो सॉल्व कर सकते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन तो हो जाएगा इलेवन ये हो जाएगा ट्वेंटी टू ऊपर आ जाएगा सेवन इन टू टेन टू द फाव माइनस थ्री ये हो जाएगा टू सो so, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें सो so इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री पॉइंट फाइव

Uh, is is uh, So So if V2 is equal to this one, to find the value of x. Right. So, uh, uh, threshold सी used किया गया है so, if the frequency of light is double that of threshold frequency, सो uh, so मुझे पाइन करना है कि uh, उसका मैक्सम वेलोसिटी रहा होगा dual तो नेचर ऑफ रेडिएशन से ये क्वेश्चन है और हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो काइनेटिक energy मैक्स मैक्स होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का वो आपका होता है एच nu माइनस ऑफ फाइव नॉट जहाँ पे फाइन नॉट वर्क फंक्शन है एच न्यू एनर्जी है और ये हो जाएगा इसको आप एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं यानी ये एक तरह से हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट राइट दिस वन, और कनेटिक एनर्जी को मैं बोल सकता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर राइट सो अगर मैंने यहाँ से निकाला तो ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट और इसी तरह से यहाँ पर मुझे रेशियो निकालना तो है तो अभी इसको स्क्वायर ही रहने देते हैं नेक्स्ट वन uh, एक बार फिर से क्वेश्चन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज वी वन एंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल डेट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये अगर डबल्ड हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो इसकी जो वैल्यू वेलोसिटी जो हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है यानी कहीं ना कहीं मुझे उसको सोल्व भी करना पड़ेगा तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं तो वी स्क्वायर जो हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एच ये हो जाएगा टू न्यू नॉट क्योंकि डबल ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा एम राइट सो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई है और uh, इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो देर फोर अगर मैं वी की वैल्यू देखूँ तो ये हो जाएगा आपका इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा टू एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाय एम राइट सो ये हो जाएगा रूट अंडर टू एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाय एम इसकी वैल्यू है आपकी वी वन तो ये इक्वेशन में दिया हुआ है ये वी वन हो गया अब उसी तरह से बोला कि इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज फाइव टाइम्स डेट ऑफ थ्रेसोल फ्रीकुंसी द मैक्सिम वेलोसिटी इज वी टू अब इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं वी टू अगर सब्स्यूट करूँ इसको सो सिमिलरली यहाँ से मैं डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं सो so अगर लेटेड भी ये वी टू स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टू एच और ये हो चुका है फाइव टाइम्स यानी जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा फोर टाइम्स यानी फाइव न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई एम यानी ये बचेगा टू एच फोर टाइम्स फोर न्यू नॉट डिवाइडेड बाय एम यानी ये हो जाएगा एट एच न्यू नोट डिवाइडेड बाय एम यानी वी टू की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी रूट अंडर एट एच न्यू नोट बाई एम सो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूँ और यहाँ से टू को बाहर निकाल लूँ तो फोर रूट में आ जाएगा यानी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं टू रूट टू एच न्यू नोट बाई एम जो कहीं ना कहीं वी वन की वैल्यू है तो इसने बोला है कि वी टू इज इकल टू एक्स वी वन सो so, यहाँ पे राइट uh, right, जगह नहीं है लेटेड भी इधर आते हैं सो वी टू इज इक्वल टू एक्स वी वन और यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन है टू टाइम्स ऑफ और ये वैल्यू जो रहा होगा ये कहीं ना कहीं वी वन की वैल्यू है तो मैं बोल सकता हूँ एक्स की जगह आया है टू यानी ओवरऑल इसका जो आंसर हो जाएगा एक्स इज कंपेयर करके निकाल सकते हैं राइट वही तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन